वज़ीरे आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। 4 सितंबर को डी चौक में हर सूरत एहतजाज किया जाएगा। पार्टी इजलास में ये फैसला किया गया। गुज़िश्ता एहतजाज में मनसूबाबंदी नाकिस थी, इसलिए दरमियानी रास्ते से वापसी करना पड़ी। इजलास में ये गुफ्तगू हुई और गुज़िश्ता एहतजाज में वर्कर्स और रहनुमाओं के पास मियारी मास्क और हिफाजती आलात भी नहीं थे, ये भी गुफ्तगू की गई। मजीद मालूम हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान काका खैल ने हमें ज्वाइन किया। जी ज़ीशान, किन अमूर पर मजीद डिस्कशन हुई इस इजलास में? जी बिल्कुल, आज जो है पार्लिमानी पार्टी इजलास का इनेकाद हुआ और इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने की। इजलास में फैसला हुआ कि 4 अक्टूबर को हर सूरत डी चौक में एहतजाज किया जाएगा, ख्वा उसके लिए 3 दिन इंतजार क्यों न करना पड़े, हर सूरत वो लोग पहुंचेंगे। इजलास में पिछले जलसे पर भी गुफ्तगू की गई और कहा गया कि पिछले इजलास में जो जलसा था उसमें तैयारियां मुकम्मल नहीं थी, यही वजह था कि दरमियानी रास्ते से वापसी करने पड़ी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताया शुरका को कि न किसी के पास मास्क थी न ही दीगर हिफाजती आलात। गलतियों से सीख के नया लाहे अमल बनाने से मुतालिक डिस्कशन हुई है। ज़ीशान काका खैल, आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।